आज के इस एपिसोड में एनबीसीसी को डिस्कस करेंगे। एनबीसीसी ने पास्ट वन मंथ में 56% और सिक्स मंथ में 180% के रिटर्न दिए हैं। एनबीसीसी ही नहीं बल्कि इंफ्रा के जितने सेक्टर के स्टॉक रहे सभी ने आउट परफॉर्म करा। प्राइवेट स्टॉक एनसीसी और मान इंफ्रा जैसे स्टॉक को भी देखेंगे तो काफी वन साइडेड रैली देखी। रिसेंट के न्यूज और ट्रेंड को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। एक बड़ी खबर इसके क्वार्टरली नंबर्स को लेकर के, जो कंपनी डिक्लेयर करेगी 13 फरवरी को इसके क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखेंगे। और क्वार्टरली नंबर्स से पहले इस प्रकार की रैली इस बात का गवाह है, सबूत है कि रिजल्ट काफी आउटस्टैंडिंग दिख सकता है। आज भी 12 करोड़ के वॉल्यूम रहे, 260,000 बाइंग क्वांटिटी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है और 20% की डिलीवरी गई। जब ट्रेंड 180% के सिक्स मंथ में हो तो डिलीवरी 20-22-25% जैसे नॉमिनल दिखते ही हैं। रिसेंट की डिलीवरी देखेंगे तो काफी आउटस्टैंडिंग रहा है। टेक्निकल ट्रेंड भी देखेंगे तो काफी आउट परफॉर्मिंग रहा है और मुझे लगता है कि इस समय ये थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। लोअर साइड के आसपास का एक मेजर रेजिस्टेंस 140 हो सकता है, लेकिन टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। जब तक 108 के नीचे की क्लोजिंग ना हो तब तक बड़ी गिरावट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डिमांड जोन है और इस समय बाइंग करते हैं तो क्वांटिटी थोड़ा स्मॉल लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने 200% गेन दे दिया है। लेकिन टेक्निकली पहला टारगेट अभी भी 140, 180 और 300 तक के लेवल देख सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है और जब भी इस प्रकार के ब्रेकआउट हुए तो स्टॉक ने वन साइडेड रैली दिखाया है, तो इसके नीचे ही वीक होगा।